वसुदेवाशुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कुष्ठं वंदे जगद्गुरु। मयूर चुड़िया नट खटिया मुरली धरा राधा प्राण वल्लभा जसोदा तनया कुष्ठंक जन्म दिवस रे समस्तंकु मोर स्वागत ओ अभिनंदन। आजिर एही बनाढ्य परिवेश रे आम विद्यालय कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पालन करबा को जाउछि। तेणु समस्ते निजर तन मन को सेई जगतर पालनकर्ताक पदारविंद अर्पण करी तांकरी जन्मोत्सव रे तांको पुष्पार्पण पूर्वक झूला को झुलई आमर भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण करबा हे। एठारे उपस्थित विद्यालयर मेरुदंड सदृश प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त फकीरमोहन साहू सारंक सहित चीर सहयोगी समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानंकु मोर अनुरोध सेमाने आसी पुष्पार्पण करबा हे। प्रधान शिक्षक को से निजर आशीर्वचन मध्यम आजिका दिवस महत्व पर आलोकपात कराइबे। शुभ सकाळ एही वर्चुअल प्लाटफर्म उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं अभिभावक मानंकु जन्माष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। पिलामने यहीपर जो उत्सव बा दिन गुड़ आम पालन कर मुख्य लक्ष्य हूँ आमर संस्कृति एवं परंपरा को बजाय रखा। पे केवल
उत्सव दिन गुड़ी पालन करी आमी आमर जो परंपरा भितर सीमित न रहु आम यह आनंद उल्लास सहित आम संस्कृति सहित जोड़ी रखा तापे आम प्रतिष्ठा करवा उचित एवं आम करवा आमर जो परपीढ़ी जो मैंने आसबे यही परंपरा को आग को बढ़े ने मोर आशा पुनश्च समस्त को जन्माष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा धन्यवाद। आसंतु वर्तमान सुनिबा आम विद्यालय छात्र छात्री माने जन्माष्टमी उपरे निजर वक्तव्य प्रदान करिवे। मो ना साई सोलोनी पांडा मु सप्तम श्रेणी रो छात्री अटे मु आज जन्माष्टमी उपलक्षे किछि कहबाकु जाउछि। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष आ अष्टमी तिथि ठीक मध्यरात्र रे भगवान विष्णु देवकी अष्टम गर्भर संतान रूप से जात हेले। ठीक एतिक बेले भगवान विष्णु आविर्भाव होई देवकी और वसुदेव को कहिले मु तुमर अष्टम गर्भर संतान रूप से जन्म नहीं तुम सप्तम गर्भर संतान जीवित रही मोर दैवशक्ति बल रे वसुदेव अन्यतम पत्नी रोहिणी कल से अर्पण कर तुम मानकर दुखर दिन एवं सरी आसुची एक कथा देखी वसुदेव चकित हेले से मुंड नुआई प्रणाम कले। ठीक से बेले नवजात शिशु श्रीकृष्ण जन्म ले तेणु आज जन्माष्टमी उत्सव में मुझे समस्त को हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। मैं नानी साहू दसवीं कक्षा की छात्रा मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में आप सभी को कुछ बताने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव को पूरी देश में बड़े ही धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के रूप मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे खास त्यौहार में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास व्रत कर घर परिवार के सुख और शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मथुरा में यह त्यौहार और ही विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। जब जब धरती पर पाप का भार बढ़ता है तब तब भगवान जन्म लेते हैं। कंस शिशुपाल आदि दानवों का नाश करने के लिए इस धरती में धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्हीं के मुख से ही हमारा धर्म ग्रंथ गीता लिखा गया है। मैं आज उन्हीं के गुण करती हुई सभी को जन्माष्टमी के हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं पद्मिनी कुमारी पान, मैं नवी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज इस जन्माष्टमी के ऊपर मुझे कुछ कहने का मौका मिला है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। भादो मास के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी बचपन से बहुत ही नटखट और शरारती थे। वो माता यशोदा के दिल के एकमात्र खिले हुए फूल की तरह थे। जब वो अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते थे उन्हें आने में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो माता यशोदा चिंतित हो जाती थी। हमने श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जी की माखन चोरी, उनके दोस्तों के साथ मिलकर शरारत करना और माता यशोदा की ममता, ऐसी बहुत सी बातें सुनी है श्री कृष्ण जी के बारे में। जब दोपहर को घर आंगन सूना देखते थे तो श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ सबके घर में जाके माखन चोरी करके खा लेते थे। ये देखकर सब ब्रज नारियां माता यशोदा से शिकायत करने आती हैं। वो कहती हैं कि तुमने कौन से अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। श्री कृष्ण जी बचपन से बहुत ही डरपोक थे। वो दीवार में बड़े बड़े चित्रों को देख कर डर जाते थे और अपनी माता के आंचल में जाकर चिपके से सो जाते। कृष्ण जी को वन में जाने की जब कृष्ण जी वन में जाने की जिद करते तो माता यशोदा उन्हें मना कर देती, क्योंकि माता यशोदा को पता रहता है कि कृष्ण जी अगर वन में गए तो उनसे जानवरों का सामना जरूर होगा और छोटे से कृष्ण जी इतने बड़े बड़े जानवरों का सामना कैसे करेंगे। ये सब सोच कर माता यशोदा उन्हें वन में जाने से रोकती थी। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो हम कृष्ण जी के बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत सी और भी कुछ बातें हैं जो सबके मन को भाती हैं। आज मैं इतना कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।
जरा जरा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जेतेबेळे पृथ्वी पाप भाररे बुद्धि पाए अधर्मर वृद्धि हुए चारिआड़े अराजकता भरी उठे सेतेबेळे भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करितांती साधु सन्यासिंक रक्षा पाई पापिंको विनाश करिबा पाई एवं धर्मर संस्थापन करिबा पाई पाप उपरे पुण्यर अन्याय उपरे न्यायर असत्य उपरे सत्यर विजय सर्वता रहिचि आउ रहिब मध्य। एथिपाई भगवान जुगे जुगे जन्म नेथांती एही पृथ्वी पृष्ठरे। जेतेबेळे कंसर अत्याचार दिनकु दिन बढ़ी चलिला पृथ्वी कंसर अत्याचार अधिष्ठ होई पड़िला समस्ते त्राही त्राही डाक छाड़िले रक्षा कर भगवानंकर शरण रे ध्यान कले। सेतेबेळे भक्तिर भगवान भक्तर मनवांछा पूरण करिबा पाई अष्टम अवतार ग्रहण कले कृष्ण रूपरे। जहांकर जन्म द्वापर युगरे होइथिला भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिरे। से देवकी वसुदेवंक गर्भरो जन्म नेइथिले किंतु तांकर पालन पोषण गोकुलर जशोदा ओ नंद करिथिले। आसंतु एबे देखिबा सेई कृष्ण जन्म उपरे एक छोटिया भिडियो। मथुरार राजा थिले महाबली कंस। से थिले अत्यंत उग्र आउ क्रूर स्वभावर। कंसंकर पिता थिले महाराज उग्रसेन। कंस बड़ हबा परे तांकर पिता उग्रसेन को बंदी करी निजे राजा हेथिले। तांक शासन काल रे प्रजा माने खूब निर्जातित होथिले। तांकर आसुरिक प्रकृति जोगु सारा पृथ्वी भयरे थरुथिला। तांक भौणींकर नाम थिला देवकी। से तांकु वसुदेवंक सहित विवाह करैले। सेई विवाह उत्सव रे कंस खूब आनंदित हेइ तांकर भौणी देवकी आउ जामाता वसुदेवंकु रथरे बसेई नगर परिक्रमा कले। से नगर मध्यरे तांकर रथ चालना करुथांती। ठीक एतिकी बेले आकाशमार्गरु एक शून्यवाणी हेला। हे कंस, तम भौणी देवकीर अष्टम गर्भर संतान ही ए पृथ्वीर समस्त आसुरिक प्रवृत्ति को विनाश करिब। आउ सेथिरु तुमे मध्य बाद जीव नाही। तमे मध्य तांकरी हातरे प्राण हरैब। ए कथा शुणी कंस भयरे थरी उठिला। से तांको जीवन रे एमिति भय केबे भी पाइ नथिले। तापरे सेई भय तांकर क्रोधरे परिणत हला। से संगे संगे तरबारी उत्तोलन करी रथ उपरु डेई पड़िले। देवकींक बाहुकु धरी घोसाड़ी आणिले आउ हत्या करिबाकु उद्यत हेले। ए कथा देखि वसुदेव मध्य भयरे थरिबाकु लागिले। से संगे संगे कंसर पाद धरी अनुरोध कले। हे महाराज कंस, शून्यवाणी अनुजाई देवकींक अष्टम गर्भर संतान ही तमर शत्रु मात्र देवकी नुहे। एणु तांको हत्या करिबा आदौ उचित नुह। एबे कंस रागरे थरी उठी कहिला, एई देवकीर संतान जदि मोर शत्रु तेबे देवकींकु हत्या करिदेले ही मोर समस्त चिंता दूर हेइजिब। मात्र वसुदेव कहिले, तुम निज स्नेहर भौणीकु मारिबार एथिरे कि कारण रहिछि? तार अष्टम गर्भर संतानकु जदि तम हातकु दियाजाए तुमे ताकु हत्या करि सन्तुष्ट हब। एबे देवकीकु मारिबार किछि आवश्यक नाही। एबे कंस टिके शांत पड़िला आउ कहिला, हौ ठीक अछि, से बंची रहु, मात्र तार समस्त संतानकु तमे मो हातरे अर्पण करिब आउ मु सेमानकु तिळ तिळ करि हत्या करिबि। ए कथारे वसुदेव सम्मत हेले। कंस निर्देश देला, एबेठारु देवकी आउ वसुदेव घरकु फेरी परिबे नाही। सेमाने बंदीशाला मध्यरे रहिबे। सेमानंकर संतान जन्म हेबा खिणि से कंसकु जणैबे। देवकी आउ वसुदेव बंदीशाला मध्यरे रहिले। सेमानंक हातपादरे बेड़ी पकई दियागला। प्रहरी माने दिनराति बंदीशाला को जगी रहिले। एहापर जेतेबेले वसुदेवंकर प्रथम संतान जन्म हेला, प्रहरी माने कंसकु खबर देले। कंस तुरंत आसी ताकु नेइ निष्ठुर भावरे हत्या कला। एहापर से गोटी गोटी करी देवकीक संतानकु हत्या करिबाकु लागिला। एहापर कंस देवकी आउ वसुदेवंकु आसी कहिगला, एबे मु तमर अष्टम गर्भर संतानकु अपेक्षा करिछि आउ सेई संतानटी जन्म हबा क्षणी
तुम मत सांगे सांगे खबर दब नहले तुम दीजणकर शिरच्छेदन करी। यहापर कंस आहुरी अधिक संख्यार प्रहरी निजुक्ति करी देवकी वसुदेवों ऊपर तीक्ष्ण नजर रखा निर्देश दे फेरीगला। कंस तांकर प्रमुख प्रहरी को निर्देश देला देवकीर अष्टम गर्भर संतान जन्म हवा क्षणी सांगे सांगे मते खबर दब मुताकु मो निज हाथ में हत्या करी। समय क्रमे देवकींकर अष्टम गर्भर संतान जन्म हला। सेदिन थाए भाद्रव मास कृष्ण पक्ष आउ अष्टमी तिथि ठीक मध्यरात्र रे भगवान विष्णु देवकींकर अष्टम गर्भर संतान रूप से जात हेले। ठीक एतिकी बेले भगवान विष्णु आविर्भाव हेई देवकी आउ वसुदेवं को कहिले मु तुमर अष्टम गर्भर संतान भाव में जन्म नहीं तुम सप्तम गर्भर संतान मध्य जीवित रही मोर दैवी शक्ति बल रे वसुदेवंकर अन्यतम पत्नी रोहिणी कूल में अर्पण करी। तुम मानकर दुखर दिन एवं सरी आसुची एवं तुम निश्चित रुह। एक कथा देखि देवकी आउ वसुदेव चकित हेले। से श्रद्धा और भक्ति रे मुंड नुआई प्रणाम जणैले आउ आखि खोलिला बेळकु भगवान विष्णु अंतर्हित हो जाइथिले। आउ सेमानंक आगरे नवजात शिशु श्रीकृष्ण अल्प अल्प हसुथिले। वसुदेवंकर प्रथम पत्नी रोहिणी गोकुल रे बास करुथिले। एई ग्रामटी जमुना नईर आर पाखरे अवस्थित थिला। भगवान विष्णु कथा शुणी वसुदेव खूब खुशी होई देवकी को कहिले हे देवकी आमर सप्तम संतान मध्य बंची रही आउ आमर अष्टम गर्भर संतान तो स्वयं भगवान विष्णु आमर एवं चिंता करिवार कौनसी कारण नहीं। वसुदेवं कथा शुणी देवकी स्नेहरे श्रीकृष्ण को कोल नुआई प्रणाम जणैले आउ आखि खोलिला बेळकु भगवान विष्णु अंतर्हित हो जाइथिले। आउ सेमानंक आगरे नवजात शिशु श्रीकृष्ण अल्प अल्प हसुथिले। आउ ठीक एतिकी बेळे देवकी आउ वसुदेव देखिले सेमानंक हाथ पादरे पड़िथिबा बेड़ी आपे आपे खोली जाइछि। आउ बाहर को चाहि देखिले बंदीशाळार गृह संपूर्ण खोली जाइछि। आउ प्रहरी माने गभीर निद्रा रे सोई जाइछंती। वसुदेव संगे संगे शिशु कृष्ण को उठाई नहीं गोटे टोकेई रे रखिले। आउ से धीरे धीरे कहिले मु तुमको एबे एक निरापद स्थान को नहीं जीवी। एतिकी कही शिशु श्रीकृष्ण सहित टोकेई को मुंडरे रखी वसुदेव बाहर को बाहरी गले। सेते बेलकु देवकी भयरे थरुथांती। से केवल वसुदेवंकर जीवा बाट को चाहे भगवान विष्णु को सुमरणा करुथांती। आउ वसुदेव मने मने गोविंद गोविंद चिंता करी आग को पाद बढ़ेले। सेते बेलकु मध्यरात्र गत हो जाए मथुरार समस्त नरनारी सोई जाइथांती। वसुदेव आगकू आगे चली था। से मने मने चिंता करूँ आज राति मध्यरे जदि कृष्ण को स्थानांतरित करान जाए तेबे काली सकाळे कंसतांकु निश्चय हत्या करिबो। एणु से जमुना नदी पार हो गोकुल को जिबाकु चिंता करूँ। आउ सेतेबेळकु मुसळधारे वर्षा आरंभ हो जाए। आउ जमुना नदी कूल में पहुँचला बेलू देखिले जमुना नदी मध्य उछुड़ी उठी लहड़ी भांगुची। यही समय जमुना नदी को पार हाकू केही भी साहस करिवेनी। मात्र वसुदेव जमुना नदी पार होई गोकुल रे पहुंचिबाकू दृढ़ संकल्प करिथिले। एणु वसुदेव जमुना नदी रे प्रवेश कले। बड़ आश्चर्यर कथा संगे संगे जमुना नदी दुई भाग होई तांकर पथ परिष्कार करिदेला। एबे वसुदेव आगकू चलिले। ठीक एतिकी बेले एक सप्तफणाजुक्त नागसाप धीरे तांकर मुंड उपरे फणातोळी रहिला जहाफळरे वर्षा छिटा आउ कृष्ण वसुदेवंक उपरे पड़िपाल्ला नहीं। प्रत्येक माँ भावती तांकरी शिशु गोटे गोटे कृष्ण सदृश तेणु आज आसंतु देखिबा से ममतामयी स्नेह प्रदायिनी माँ का संतान मानंको कृष्ण वेशरे सुमधुर गीतर ध्वनि रे पादर ताले ताले नाना अंग भंगी रे आम विद्यालयर छात्र छात्री द्वारा परिवेशित राधाकृष्ण नृत्य आसंतु देखिबा। जी की कृपा से मैं बची राम जी की।
चुपके मारे Thank you.
अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। शेषरे धन्यवाद देवा पाई मु आम विद्यालयर स्मिता मैडम को अनुरोध करूछि। स्मिता मैडम शुभ सकाळ। शुद्धभूत वातावरण आज महा आडंबर रे पालित हो जाइतिबा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव रे प्रथमे मु स्मितारानी खिलारी समस्त को आंतरिक शुभेच्छा ओ अभिनंदन जनाउछि। आमे जानिछि प्रत्येक जिनिषर आरंभ ओ शेष सुनिश्चित। आरंभ जेपरी मन को आनंद दे थाए शेष मनुष्यर मन को दुखरे भरी दिए, ठीक से ही परी आजिर ही उत्सवर प्रारंभ एक आनंदमय परिवेश रे आरंभ होइथिला। ताहार एबे अंतिम समय। एही अवसर रे मु प्रथमे आम विद्यालयर प्रधान शिक्षक माननीय श्रीजुक्त फकीर मोहन साहू सार को धन्यवाद जनाउछि, जहाँ आशीर्वचन द्वारा आज दिन महत्व शिशु माने उपलब्ध करि पारिथिबारु धन्यवाद देउछि। अनुप सार को जहाँ उद्यम और प्रचेष्टा द्वारा यही कार्यक्रम टी मनमताणिया तथा समस्त निकटे पहुँचाई पारिथिबारु धन्यवाद देउछि। परिचालिका आरती मैडम को तथा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को जहाँ आंतरिक सदिच्छा अकुंठ सहयोग और एक मनोभावना द्वारा आज कार्यक्रमटी सफल होइथिबार कृष्णवेशी तथा राधाकृष्ण बेशरे सज्जित होइथिबा शिशु एवं विद्यालय छात्र छात्री मानंकु धन्यवाद जनाउछि। आज उत्सव रे भाग नै उत्सव को द्विगुणित करिथिबार धन्यवाद। सब रंग लगा हेले तोर कोल रंग टिके भी न लगा।